Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we have discussed conversion of units and some questions based on applications. Now today, we will continue the questions based on applications. So let's see the examples. The first example is, Pragya wrapped a cord around a circular pipe of radius 4 cm adjoining figure and cut off the length required of the cord. Then she wrapped it around a square box of side 4 cm also shown. Did she have any cord left? Pragya ne ek circular pipe liya jiski radius aapko di gayi hai 4 cm. उसके अराउंड में उस कॉर्ड को रैप किया. देखिए ये फिगर आपको दिया गया है, ये सर्कुलर पाइप है जिसकी रेडियस आपको दी गई है, दिस इज 4 सेंटीमीटर. इसके अराउंड अगर उसने पाइप रैप किया है, दैट मींस उसने क्या कवर अप किया है, इसका सर्कमफेरेंस. ठीक है, सर्कमफेरेंस के लिए रेडियस हमको पता होनी चाहिए जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है. ठीक, अब इसी कॉर्ड को उसने स्क्वायर में रैप किया. अब स्क्वायर की साइड भी आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर. अब स्क्वायर में अगर आप रैप करोगे, दैट मींस उसका पेरीमीटर कवर अप करोगे. ठीक है, आपको ये बताना है कि सर्कुलर पाइप में जितनी कॉर्ड रैप की गई थी, वही कॉर्ड अगर स्क्वायर बॉक्स में रैप कर दी जाए तो क्या उसके पास कॉर्ड बचेगी. चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन. फर्स्ट वी हैव गिवन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाइप इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो इसके चारों तरफ रैप किया जा रहा है, डेट मीन्स क्या कवर अप किया जाता है, सर्कमफेरेंस. सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाइप इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर. रेडियस दी गई है इसलिए 2 इंटू पाई के मीन्स 3.14 इंटू रेडियस है 4. 4 टू जा 8, 8 4 जा 32, 2 3 कैरी 8, 1 जा 8, 3 11, 1 कैरी 8 3 जा 24, 24, 1, 25. डेसिमल लगा दिया, 25.12 सेंटीमीटर. इस लेंथ की कॉर्ड चाहिए जो सर्कुलर पाइप के अराउंड रैप की जाएगी. ठीक है, अगर यही कॉर्ड स्क्वायर बॉक्स में रैप की जाए तो स्क्वायर के आपको साइड पता होनी चाहिए. दिखेंगे नाउ साइड ऑफ स्क्वायर बॉक्स कितनी दी गई है, साइड 4 सेंटीमीटर. तो स्क्वायर बॉक्स के अराउंड रैप करना है, दैट मींस उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. सो वी राइट हियर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. ये होता है पेरीमीटर, यानी 4 इंटू 4 सेंटीमीटर बिकम 16 सेंटीमीटर. ठीक है, 16 सेंटीमीटर कॉर्ड यूज होगी किसमें, स्क्वायर बॉक्स में. अच्छा, अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि सर्कल में ज्यादा रैप हो रही है कि स्क्वायर में. सर्कल में ज्यादा रैप हो रही है, इसका मतलब अगर आप स्क्वायर में रैप करोगे तो आपके पास कॉर्ड बचेगी. तो यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन में, डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट, क्या उसके पास कोई कॉर्ड बची है. तो यस, पहली बात तो लिखेंगे हम. सो सर्कमफेरेंस कितना आ गया सर्कुलर पाइप का, 25.12 सेंटीमीटर. जो सर्कमफेरेंस आया है उतनी ही कॉर्ड रैप की गई है ना सर्कुलर पाइप में. सो वी विल राइट हियर, सो लेंथ ऑफ कॉर्ड रैप्ड इन सर्कुलर पाइप इज 25.12 सेंटीमीटर. अब यही कॉर्ड उठा करके अगर स्क्वायर बॉक्स में रैप की जाएगी, दैट मीन्स क्या कवर अप किया जाएगा, उसका पेरीमीटर. तो हम यहाँ पर देखें क्या स्क्वायर बॉक्स की साइड दी गई है. यस, आपको स्क्वायर बॉक्स की साइड दी गई है 4 सेंटीमीटर. सो वी राइट हियर नाउ साइड ऑफ स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, दैट मीन्स 4 इंटू 4 सेंटीमीटर, इट बिकम 16 सेंटीमीटर. इसका मतलब स्क्वायर बॉक्स में कितनी कॉर्ड रैप की जा रही है, 16 सेंटीमीटर. वी विल राइट हियर, सो लेंथ ऑफ कॉर्ड रैप्ड इन स्क्वायर बॉक्स इज 16 मीटर. उसके बाद क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था क्या स्क्वायर बॉक्स में रैप करने के बाद कुछ कॉर्ड बची. तो आप देखिए कंपेयर करके, सर्कुलर पाइप पे कितनी रैप हो रही है, 25.12, और
स्क्वायर बॉक्स में कितनी रैप हो रही है, 16 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि स्क्वायर बॉक्स में अगर आप रैप करोगे तो आपके पास कॉर्ड बचेगी। कितनी बचेगी ये निकालने के लिए हम सर्कुलर पाइप में जितनी रैप हुई है उससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे स्क्वायर बॉक्स में जितनी रैप हुई है उसको। सो वी विल राइट हियर, यस लेफ्ट कॉर्ड इज इक्वल टू 25.12 सेंटीमीटर माइनस 16 सेंटीमीटर। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 12, यहाँ पर आ गया डेसिमल के इधर गया आएगा, 15 में से 6 गया 9 और 1 में से 1 गया 0, यानी 9.12 सेंटीमीटर इतनी कॉर्ड आपके पास बचेगी अगर आप बॉक्स में रैप करोगे तो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2 इज टू स्क्वायर रोड्स ईच ऑफ विथ 10 सेंटीमीटर कट एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 700 मीटर एंड ब्रेथ इज 300 मीटर एंड पैरेलल टू इट्स साइड्स फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड गिव द आंसर इन हेक्टेयर्स। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया है एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया गया है 700 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। अब उसके अंदर क्रॉस रोड बनाई गई है जो उसके लेंथ और ब्रेथ के पैरेलल है जिसकी विड्थ दी गई है 10 मीटर। तो पहले हम क्वेश्चन की हेल्प से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं सॉल्यूशन में। सो सॉल्यूशन इज फिगर ड्रॉ करेंगे, एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाते हैं, दिस इज रेक्टेंगुलर पार्क, इसकी लेंथ है 700 मीटर एंड विड्थ इज 300 मीटर। इसके अंदर टू क्रॉस रोड बनाई गई है जो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट हो रही, राइट एंगल पर कट हो रही है और वो भी विड्थ और लेंथ के पैरेलल है। तो ये हो गया विड्थ के पैरेलल और ये हो गया लेंथ के पैरेलल और इस क्रॉस रोड की जो विड्थ दी गई है दैट इज 10 मीटर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ रोड आपको निकालना है, ये जो रोड है इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है और आपसे ये भी पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ पार्क, पार्क का भी एरिया निकालना है बट एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड, क्रॉस रोड का एरिया हटाकर। तो आप पार्क का एरिया कैसे निकाल सकते हो, पूरा एरिया निकाल के रोड के एरिया को सब्सट्रैक्ट कर दोगे और आपको अपने आंसर्स हेक्टेयर्स में देने हैं। मैंने आपको ऑलरेडी यूनिट कन्वर्ट करना बताया है। चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकालते हैं। तो लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 700 मीटर एंड ब्रेथ कितनी दी गई है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 300 मीटर। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है, दैट मीन 700 मीटर इंटू 300 मीटर, इट बिकम 7 × 3 = 21 एंड 40 स्क्वायर मीटर, दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। पार्क का एरिया निकाल लिया, ओवरऑल एरिया ये निकला है। अब आपको रोड का एरिया निकालना है। देखिए एक रोड आपकी गई है जो कि ये हॉरिजेंटल है और एक रोड गई है जो कि वर्टिकल है। इन दोनों रोड में इतना सेक्शन ऐसा है जो कॉमन है दोनों में, ठीक है, मीन्स टू टाइम्स वो रिपीट हो रहा है वर्टिकल में भी और हॉरिजेंटल में भी। मीन्स इस कॉमन सेक्शन, ये जो एक स्क्वायर बन रहा है जिसकी साइड 10 मीटर है, इसका एरिया हम निकाल करके सब्सट्रैक्ट भी करेंगे इन दोनों का एरिया ऐड कर। ठीक है, तो पहले हम हॉरिजेंटल रोड का एरिया निकाल लें, वर्टिकल रोड का एरिया निकाल लें और जो कॉमन एरिया है उसका एरिया निकाल लें। नाउ लेंथ ऑफ हॉरिजेंटल रोड, आप चाहिए तो इसकी नेमिंग करके भी इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ हॉरिजेंटल रोड कितनी दी गई है, ये लेंथ कितनी है, जो लेंथ इसके पैरेलल बनी है यानी 700 मीटर के पैरेलल, तो इसकी लेंथ भी क्या होगी 700 मीटर। इस टाइप से इसका फिगर बनेगा अगर आप सेपरेट फिगर्स का ड्रॉ करना चाहो लाइक दैट। ठीक है, जिसकी लेंथ है 700 मीटर लेकिन ब्रेथ कितनी है 10 मीटर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ब्रेथ ऑफ हॉरिजेंटल रोड इज इक्वल टू 10 मीटर, एरिया ऑफ हॉरिजेंटल रोड इज इक्वल टू फॉर्मूला एल इंटू बी, दैट मीन 700 मीटर इंटू 10 मीटर, इट बिकम 7000 स्क्वायर मीटर, दैट इज द एरिया ऑफ हॉरिजेंटल रोड। ठीक है, एरिया ऑफ वर्टिकल रोड निकालिए, तो उसके लिए भी आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों ही दी गई है, फिगर सेपरेट ड्रॉ करेंगे तो लाइक दैट।
जिसकी 300 मीटर लेंथ है और 10 मीटर ब्रेथ है, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड इज इक्वल टू 300 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ वर्टिकल रोड इज इक्वल टू 10 मीटर। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वर्टिकल रोड इज इक्वल टू एल इंटू बी, मीन्स 300 मीटर इंटू 10 मीटर बिकम्स 3000 स्क्वायर मीटर। अब आप देखिए जो कॉमन सेक्शन है ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 मीटर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड यानी 100। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, नाउ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड दैट मीन्स 10 मीटर इंटू 10 मीटर इट बिकम्स 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये आपने रोड का एरिया निकाल लिया जिसमें ये पार्ट टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए वन टाइम हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे टोटल क्रॉस रोड का एरिया निकालने के लिए। नाउ वी विल राइट, नाउ एरिया ऑफ क्रॉस रोड इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रोड का एरिया कितना है 7000 स्क्वायर मीटर, वर्टिकल का एरिया कितना है 3000 स्क्वायर मीटर, माइनस करेंगे इसमें स्क्वायर का एरिया 100 स्क्वायर मीटर, कितना हो जाएगा 10000 स्क्वायर मीटर में से 100 स्क्वायर मीटर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 20, 10 में से 1 गया 9900 स्क्वायर मीटर, ये एरिया आपका आ गया क्रॉस रोड का एरिया। इसको अगर हेक्टेयर में चेंज करोगे तो आपको पता है हेक्टेयर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10000 स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10000 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। एच ए जिसको हम लिखते हैं तो 1 स्क्वायर मीटर में कितना हो जाएगा 1/10000 एच ए, आपके पास कितना एरिया दिया गया है 9900 स्क्वायर मीटर बिकम्स 9900/10000 एच ए। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया 0.99 एच ए, ये आ गया क्रॉस रोड का एरिया हेक्टेयर में। अब आपको ये पूछ रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बताना है एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड, क्रॉस रोड को छोड़कर, तो यहां लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड, क्रॉस रोड को छोड़ के अगर निकालेंगे इसका मतलब ओवरऑल जो एरिया है उसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे क्रॉस रोड का एरिया। ओवरऑल एरिया आपने कितना निकाला है 210000, दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 210000 स्क्वायर मीटर माइनस, और क्रॉस रोड का एरिया है 9900 स्क्वायर मीटर। इसको सॉल्व करिए जरा 200100 स्क्वायर यूनिट, ये आ गया रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया क्रॉस रोड को हटाकर। इसको भी हेक्टेयर में चेंज करते हैं, फिर से हेक्टेयर में चेंज करने के लिए 10000 से डिवाइड करते हैं, तो यहीं पर डायरेक्ट मैं कर दे रही हूँ क्योंकि ऊपर मैं समझा चुकी हूँ ऑलरेडी कैसे करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। 10000 से आप डिवाइड करोगे तो ये एच ए में आएगा, तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, डेसिमल लगाएंगे तो आएगा 20.01 एच ए, दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 इज इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। इस फिगर में देखिए ये आपको शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, ठीक है। ये देखिए ये रेक्टेंगल भी नहीं बन रहा और ट्राइंगल भी नहीं बन रहा है, ठीक है, ना पैरेललोग्राम बन रहा है, आपने यही एरिया निकालना है यहाँ इस चैप्टर में सीखा है। लेकिन आप ये देखिए कि ओवरऑल जो फिगर दिया गया ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। आपको मैंने पहले ही बताया कि बीच का अगर एरिया निकालना होता है तो हम ओवरऑल एरिया में से उसके अंदर का एरिया निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये ट्राइंगल बन रहा है जिसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, तो रेक्टेंगल के एरिया में से इन दोनों ट्राइंगल का एरिया ऐड करके सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए वन बाय वन करके हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं।
सॉल्यूशन इज, पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दी गई है. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. इसके ऊपर आप लिख लीजिए चाहे तो इन ए बी सी डी. ए बी सी डी फिगर की बात कर रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल है क्योंकि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 18 सेंटीमीटर. ब्रेथ कितनी दी गई है? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इन टू बी, दैट मीन्स 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर. इट बिकम्स 180 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये आ गया रेक्टेंगल का एरिया, दैट मीन्स ए बी सी डी का एरिया आपने निकाल लिया. अब देखिए ये एक ट्राइंगल बन रहा है ए एफ ई, ठीक है, और रेक्टेंगल में सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो रेक्टेंगल का ही पार्ट है तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है. इसका एरिया निकालने के लिए आपको बेस चाहिए और हाइट चाहिए, ठीक है, तो हाइट का काम तो यही करेगा. 10 सेंटीमीटर को हाइट ले लो या फिर आप 6 सेंटीमीटर को हाइट ले लो. तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई एफ बेस इज इक्वल टू, बेस आप अगर ए एफ को लोगे तो हो जाएगा बेस कितना 6 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर. अगर आप इसको बेस लोगे तो ये आपका हाइट का काम करेगा, इसको बेस लोगे तो ये हाइट का काम करेगा. ओके, तो एरिया क्या हो जाएगा? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच. यही होता है फॉर्मूला, 1/2 बेस है 6 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर. इसको सॉल्व करेंगे 2 3 6, 3 10 30 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ. अब दूसरा ट्राइंगल देखिए जो बन रहा है वो है बी सी ई. सिमिलरली इसी तरह से निकालेंगे इसको भी. इन ट्राइंगल बी सी ई बेस क्या है? देखिए फिर से ये राइट एंगल है, ठीक है, तो यही हाइट का काम करेगा, या फिर आप 8 सेंटीमीटर को हाइट ले लो या फिर 10 सेंटीमीटर को हाइट ले लो. तो बेस आपका हो जाएगा सपोज 8 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. एरिया निकालते हैं इसका. एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच. 1/2 इंटू बेस है 8 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर. इट बिकम्स 2 1 2 2 4 8 4 10 40 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब आपको एरिया निकालना है शेडेड पार्ट का, यानी ई एफ डी सी. इसका एरिया निकालना है, यही शेडेड पार्ट है, इसके लिए पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से इन दोनों का एरिया ऐड करके सब्सट्रैक्ट कर देते हैं. नाउ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, आप चाहिए तो ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको, ई एफ डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी. ए बी सी का सी डी के एरिया से सब्सट्रैक्ट करेंगे किसको? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई, ठीक है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना निकाला था? 180 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस ब्रैकेट में ए ई एफ का एरिया है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर और बी सी ई का एरिया है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 180 स्क्वायर सेंटीमीटर में से इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 110 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट. ओके, नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. दिस इज योर क्लास वर्क. हियर आर 3 क्वेश्चन, 2 ऑन दिस पेज एंड 1 ऑन दिस पेज एज रिलेटेड एज योर एग्जाम्पल. यू हैव टू सॉल्व इट. आफ्टर सॉल्विंग दिस क्लास वर्क चेक योर आंसर विच आर गिवेन हेयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.